वेलकम टू टेक्निकल राव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पाइए हर रोज एक नई वीडियो। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। दोस्तों, आप देख रहे हैं 36 स्लॉट की चक्की मोटर रिवाइंडिंग का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पे देखिए, जो रनिंग की चार कॉइल हमने डाल दी थी पहले पार्ट में, अब हम स्टार्टिंग की पहला ग्रुप डाल रहे हैं। पहले ग्रुप में तीन कॉइल हैं, स्टार्टिंग के टोटल चार ग्रुप हैं और चारों ग्रुप में तीन तीन कॉइल है और तीन स्लॉट छोड़ के एक से पाँच में, एक से सात में, एक से नौ में कॉइल डलेगी। तो देखिए, हमने एक से पाँच में तीन कॉइल बीच में छोड़ के, सॉरी, तीन स्लॉट बीच में छोड़ के हमने कॉइल को डाल दिया। सबसे छोटी कॉइल को आप देख सकते हैं किस तरह से हमने तीन स्लॉट को छोड़ा है, किस तरह से छोड़ा है। आप अच्छी तरह देख रहे हैं, रनिंग की दो कॉइलों के बीचों बीच के स्लॉट को हमने छोड़ा है और तार हमने दूसरी तरफ निकाल रखा है। तार आप लेफ्ट हैंड की तरफ ही रखे फर्स्ट तार को, और आउटर तार को राइट हैंड की तरफ रखे रनिंग की तरह। अगर आपने रनिंग वाला पार्ट देखा है, पहला पार्ट देखा है, तो आप आसानी से कॉइल को डाल पाएंगे। मैं दूसरी तरफ से इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि उस तरफ से हाथ सामने आ जाता है कैमरे के और स्लॉट दिख नहीं पाते, तो इसलिए मैं उल्टी साइड से मोटर को दिखा रहा हूं। वो मैंने कॉइल को कैसे डालना है, किस प्रकार से तार रखने हैं, वो पहले पार्ट में अच्छे तरह से समझा दिया था आपको। तो उसी प्रकार से आपको स्टार्टिंग कॉइल डालनी है जिस प्रकार रनिंग डाली थी। तो इसका पिच है स्टार्टिंग का एक से पाँच, एक से सात, एक से नौ है और चार ग्रुप हैं और चारों ग्रुप में तीन तीन कॉइल हैं और रनिंग के चार ग्रुप थे और चारों ग्रुप में, प्रत्येक ग्रुप में चार चार कॉइल थी, लेकिन स्टार्टिंग में तीन तीन कॉइल है प्रत्येक ग्रुप में। तो एक से पाँच, एक से सात, एक से नौ में स्टार्टिंग में कॉइल डलेगी। तो इस प्रकार डालना है। जिस साइड से आप डालना चाहे डाल सकते हैं। तार एक ही तरफ रखने हैं जैसे रनिंग में रखे थे। फर्स्ट वाला तार जो कि स्टार्ट तार होता है वो लेफ्ट हैंड की तरफ रखना है और आउटर तार जो होता है हमेशा की तरह राइट हैंड की तरफ रखना है, ठीक है। और इस प्रकार से कॉइल डालनी है। उस साइड से कैमरा लगाने पे थोड़ा अंधेरा आ रहा है, यहाँ पे बादल छाए हुए हैं, तो मैं इस तरफ से दिखा रहा हूँ, इस तरफ से साफ दिख रहा है और उस तरफ हाथ भी आ रहा है, तो मैं इस तरफ से दिखा रहा हूँ ताकि आपको स्लॉट अच्छे से दिख सके। बिल्कुल इजी है, सिंपल है। और अगर आपको इसका डेटा चाहिए तो पहले पार्ट में मैं पूरा डेटा दे चुका हूँ। पहला पार्ट देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप पहला पार्ट देख सकते हैं। और इसका कनेक्शन वाला पार्ट भी हम बना रहे हैं कि इसके कनेक्शन कैसे करने हैं, तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप उस पार्ट को भी देख सकते हैं। तो देखिए, हमने पहला कॉइल डाल के रेडी कर लिया है। एक से पाँच, एक से सात और एक से नौ में हमने कॉइल को डाल दिया है, यानी कि एक ग्रुप को हमने डाल दिया है। एक ग्रुप के अंदर तीन कॉइल थी। अब हमने मोटर को घुमा लिया है, आप किसी भी साइड घुमा सकते हैं जैसा आपकी मर्जी। अब यहाँ पे देखिए, कागज़ को दबा लीजिए, रनिंग वाली कॉइल के कागज़ को दबाना है। यहाँ ध्यान से आप देख सकते हैं कि कौन से वाले स्लॉट के कागज़ को दबाना है। एक से चार और एक से छः वाले स्लॉट के कागज को दबाना है। यहाँ पे आप अच्छी तरह से देख रहे हैं, मैंने कनेक्शन साइड से भी दिखा दिया है। देखिए, कनेक्शन साइड से भी दिखा दिया है मैंने।
देखिए एक से चार और एक से छः वाले स्लॉट को हमने दबाया है और कॉइल को उठा लिया है। ये कॉइल के ग्रुप हैं, तीन तीन कॉइल हैं प्रति ग्रुप में, टोटल चार ग्रुप हैं। एक ग्रुप हम डाल चुके हैं और एक को हम डाल रहे हैं। तो आपको सभी कॉइल एक ही तरह से डालने हैं। बाकी पिच का जो अंतर था वो मैंने बता दिया है, आपको समझा दिया है, और कॉइल कैसे डालनी है वो भी मैंने बता दिया है कि जो आउटर तार होता है, जैसे हमने पहली कॉइल ये डाली है, सबसे छोटी कॉइल डाल दी, ठीक है। अब इसका फर्स्ट वाला जो तार है, जो स्टार्ट तार है सबसे छोटी वाली कॉइल का, वो लेफ्ट हैंड की तरफ रखना है, और जो निकल रहा है जो तार वो आउटर हैंड की, आउटर जो तार है वो सोलह हाथ की तरफ रखना है राइट हैंड की तरफ, ठीक है। तो इससे ऊपर जो कॉइल डलेगी उसमें भी जो निकलने वाला तार है, ये आपको देखना है कि तार जो निकल रहा है ना, वो तार आपको राइट हैंड की तरफ ही रखना है हमेशा की तरह। हर कॉइल का जो आउटर तार है वो राइट हैंड की तरफ ही रखना है, तभी कॉइल सुलटी डलेगी। ये नहीं करना है कि एक बार आपने उल्टी डाल दी, एक बार सुलटी डाल दी, ऐसे नहीं करना है। तो मैं वो आपको पहले पार्ट में भली भांति समझा भी चुका हूँ। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अच्छे से, बिल्कुल साफ दिख रही है वीडियो कि किस तरह से कॉइल डालनी है, कौन कौन से स्लॉट हमने छोड़े हैं। तीन स्लॉट बीच में हमने छोड़े हैं, एक से पाँच में हमने कॉइल डाल दिया है, एक से छः में हम डाल रहे हैं, सॉरी एक से पाँच में डाल दिया, एक से सात में डाल रहे हैं, एक से पाँच, एक से सात और एक से नौ, इसका पिच है स्टार्टिंग का, रनिंग का था एक से चार, एक से छः, एक से आठ और एक से दस, ठीक है। और इसका पूरा डेटा मैं पहले पार्ट में दे चुका हूँ आपको। दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को चालू जरूर कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियो एक नोटिफिकेशन द्वारा आपको आसानी से मिल जाएं। तो दोस्तों आपको अच्छे से दिख रहा होगा, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा होगा आपको कि कैसे कॉइल डाली जाती है, कैसे हम कौन से स्लॉट में डाल रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, किसी भी चीज़ में कोई डाउट लग रहा है या कोई कन्फ्यूजन हो रही है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना। अगली बार जो मैं मोटर की, चक्की मोटर की जो वीडियो बनाऊंगा, इससे भी उम्मीद करता हूं इससे भी अच्छी बनाऊं। आज थोड़ा अंधेरा है क्योंकि बादल यहाँ पे छाए हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो सकती है, थोड़ा अंधेरा है स्लॉट के अंदर, थोड़ा अंधेरा दिख रहा है। जो वाइट पेपर हम, वाइट शीट जो हम लगाते हैं स्लॉट के अंदर, तब थोड़ा साफ दिखता है, लेकिन हम ये जो ग्रीन शीट लगा रहे हैं इसकी वजह से भी थोड़ा सा ब्लैक दिखता है स्लॉट के अंदर, ठीक है। लेकिन आपको स्पष्ट मैंने दिखा दिया है, आप वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं वीडमेट या ट्यूबमेट की मदद से, और तब HD में, फुल HD में वीडियो को डाउनलोड करके अच्छे से आप देख सकते हैं, फुल HD में डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। वीडियो अगर समझ में नहीं आए तो, वाइंडिंग समझ में नहीं आए वीडियो में, तो बार बार आप देख सकते हैं, तो इसे डाउनलोड जरूर कर लेना, ये आपकी बहुत काम आने वाली है। अब देखिए हमने दो कॉइलों को, सॉरी दो ग्रुप को डाल दिया है जिनके अंदर तीन तीन कॉइलें थी। अब हम तीसरे ग्रुप को डालने के लिए यहाँ एक से छः वाला, एक से चार वाला स्लॉट दबाया, और इस साइड भी हमें एक से छः, एक से चार वाला स्लॉट दबाना है। ध्यान से देखिए, ये रनिंग की कॉइलों वाले स्लॉट पेपर हम दबा रहे हैं, ये एक से छः वाला है जो हमने दबाया है, और एक से चार वाला दबाना है। इस साइड की कॉइल का एक से चार, एक से छः का दबाना है, और फिर दूसरी साइड की कॉइल का एक से चार, एक से छः वाला स्लॉट पेपर दबाना है आपको।
और कॉइल को डालना है तीन स्लॉट छोड़ के। ठीक है दोस्तों, ये मोटर रिवाइंडिंग मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है जो कि मोटर रिवाइंडिंग कर रहा है, लेकिन मैं कैमरा पकड़े हुए हूँ। आज मौसम थोड़ा सा ख़राब है, इसकी वजह से थोड़ा सा अंधेरा आपको दिख सकता है। पर कोई बात नहीं, आपको समझ आ जाएगा क्योंकि मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। और आपको अगले पार्ट में इसके कनेक्शन का डायग्राम भी दूंगा आपको, और इसकी रिवाइंडिंग का डायग्राम भी बना के आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हमने कॉइल डाली थी रनिंग की, कौन कौन से स्लॉट में, कितनी कितनी बार, और स्टार्टिंग की कैसे डाली थी, वो मैं आपको डायग्राम के माध्यम से भी दिखाऊंगा अगले पार्ट में। अगला पार्ट आने वाला है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों देखिए, इस प्रकार हमने कागज़ दबा लिए हैं, एक से चार, एक से छः के इस कॉइल के, रनिंग की वाली कॉइल के और दूसरी वाली कॉइल के भी एक से चार, एक से छः के हमने दबा लिए हैं। एक से आठ वाले स्लॉट छोड़ दिए हैं और एक से दस वाला स्लॉट भी हमने छोड़ दिया है, यानी कि टोटल तीन स्लॉट छोड़ के अब हम कॉइल डाल रहे हैं। और इसका तार है जो कि फर्स्ट, हम दूसरी साइड से आपको दिखा रहे हैं, तार दूसरी साइड निकल रहे हैं। फर्स्ट तार आपको स्टार्ट तार जो होता है, पहला तार छोटी वाली कॉइल का, वो आपको लेफ्ट हैंड की तरफ ही रखना है, और जो आउटर तार है वो राइट हैंड की तरफ रखना है। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे से रिवाइंड कर लोगे ये वीडियो देखने के बाद। लेकिन आपको कोई कन्फ्यूजन, डाउट है या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा। अगर रिप्लाई भी नहीं कर सका तो उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। मैं आप सभी की कमेंट को एकत्रित करता हूँ, यानी कि इकट्ठा करता हूँ। जैसे मैंने मोटर रिवाइंडिंग की वीडियो बनाई है, अब इसके ऊपर अलग अलग तरह के डाउट्स के, अलग अलग कन्फ्यूजन के, जो भी आपके पास कन्फ्यूजन डाउट है उसके कमेंट आप करोगे तो मैं उन सबको एक साथ मिलाऊंगा, सबको एक पेज पे नोट करूंगा कि क्या क्या आपको कन्फ्यूजन हुए, क्या क्या डाउट हैं आपके जो क्लियर करने हैं, तो उस पर मैं एक वीडियो बनाऊँगा अलग से, तो उसमें आपको सारी चीज़ें मैं बता दूँगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों से कहना है कि कमेंट भी करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें दोस्तों में। अब देखिए, हमने पहली कॉइल डाल ली है एक से पाँच में, तीन स्लॉट छोड़ के। अब देखिए, तार को ऐसे रखना है और जो आउटर तार है वो बाहर की तरफ, राइट हैंड की तरफ रखना है। कनेक्शन दूसरी साइड इसके निकाल रहे हैं हम। जो हमने पहला पार्ट बनाया था रनिंग में, तो वो हमने कनेक्शन वाली साइड से बनाया था, तो उसमें थोड़ा सा अंधेरा आ रहा था, लेकिन उस समझाना मैंने इसलिए वो अंधेरे में ही थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की है कि कैसे कॉइल डालनी है। तो आप ये कन्फ्यूजन, अगर आपने पहला पार्ट देखा है तो आप उल्टी साइड से देख लीजिए वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आप आराम से तार डाल लेंगे, मुझे पूरा यकीन है। जिस तरह रनिंग की कॉइल डाली थी उसी प्रकार डालना है, इसीलिए मैं उल्टी साइड से वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी सी स्पष्ट दिख सके। अब देखिए, दो कॉइल हमने डाल दी हैं तीन स्लॉट छोड़ के, एक से पाँच, एक से सात में। अब एक से नौ में हम कॉइल डाल रहे हैं। दोस्तों वीडियो डालने में थोड़ा सा लेट में हो जाता हूँ, क्योंकि पहले वीडियो शूट करनी पड़ती है काफ़ी लंबी, फिर उसको थोड़ा एडिटिंग वगैरह भी करना पड़ता है, और फिर उसमें वॉइस भी डब करनी पड़ती है बाद में। पहले मैं वीडियो डालता था
तो वीडियो बनाते बनाते ही बोल दिया करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं या बहुत सारे शोर शराबा होता है तो तरह तरह की आवाज़ें भी आती रहती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे सॉन्ग भी बज रहे होते हैं तो मुझे वो जो इसकी ओरिजिनल आवाज़ है उसको निकाल देना पड़ता है और दोबारा से डब करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे ये कनेक्शन वाली साइड है, तो कनेक्शन इस तरह से हैं। ये लेफ्ट हैंड की तरफ जो दिख रहा है स्टार्ट तार है और आउटर तार है जो राइट हैंड की तरफ है, जो राइट हैंड की तरफ दिख रहा है आपको स्टार्टिंग का और रनिंग का, तो सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से रिवाइंड कर लोगे, मुझे पूरा यकीन है आप पे। शुरू शुरू में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, तो स्टार्टिंग में सिंगल तार है 23 नंबर और रनिंग में डबल तार है 22 नंबर, और पूरा डेटा मैं पहले पार्ट में इसका दे चुका हूँ। दोस्तों देखिए अब ये कॉइल, हमारे पास कॉइल का एक ग्रुप बचा है, इसे आप पोल भी बोल सकते हैं, पोल भी बोलते हैं लोग, लेकिन मैं एक ग्रुप ही कहूँगा क्योंकि ग्रुप ही बोलूँगा इसको, क्योंकि इसके अंदर तीन कॉइल है और दो तार इसके अंदर से निकले हुए हैं और ये इस प्रकार से घूमती हुई बन रही है, ठीक है, जैसे मैंने उंगली को घुमा के दिखाया आपसे। अब देखिए इस कॉइल को डालेंगे, बिल्कुल उसी तरह से डालना है जैसे पहले मैंने बताया था, एक से रनिंग के एक से छः वाले स्लॉट में, ठीक है, फिर बीच में तीन स्लॉट छोड़ने हैं, फिर दूसरी साइड रनिंग के एक से छः वाले स्लॉट में, ठीक है, तीन स्लॉट बीच में छोड़ देने हैं, आपको अच्छे से दिख रहा होगा, और उसके बाद रनिंग के इस साइड एक से चार वाले स्लॉट में और फिर दूसरी साइड एक से चार वाले स्लॉट में। तो हमने तीन खाने छोड़ के क्वाइल को एक से पाँच में डाल दिया, एक से पाँच पिच में, ये जो मैं पहले बता रहा था कि एक से चार वाले में एक से छः वाले में, ये रनिंग की पिच के बारे में बता रहा था, रनिंग के स्लॉट के बारे में बता रहा था, और स्टार्टिंग का पिच है तीन खाने छोड़ के एक से पाँच, एक से सात और एक से नौ। तो देखिए इस प्रकार से डालनी है क्वाइल, अच्छे से कागज लगा लीजिए, दोस्तों बहुत से भाई कमेंट कर रहे हैं कि हमारे पास 3 HP की 3 फेस की मोटर है, उसे 2 फेस या सिंगल फेस में कैसे रिवाइंड करें, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि इसी तरह की मोटर अगर आपको 3 फेस में कैसे बांधी जाए, इसी तरह की स्टार्टर वाली 3 HP वाली, तो 3 फेस की वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा, और जो 3 फेस में बंध के आती है उसको सिंगल में कैसे बांधें उसकी भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। तो सिंगल में इसी प्रकार बांधनी है आपको, आपने इसी प्रकार रिवाइंड करनी है जैसे आप कर रहे हैं। तो सिंगल फेस की में बहुत कम तार लगता है, लेकिन 3 फेस की में काफ़ी ज़्यादा तार लगता है, तार से भर जाती है पूरी मोटर अच्छे से, लेकिन सिंगल फेस में बहुत कम तार लगता है। अब मैं तार का वेट आपको नहीं बता सकता क्योंकि हर एक मोटर के स्टेटर के हिसाब से, कॉइल के हिसाब से अलग 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 मोटर में अलग अलग वेट का तार डलता है, तो मैं वेट इसलिए शेयर नहीं करता, जो डेटा है वो मैंने पूरा शेयर कर दिया है। वेट आप कर सकते हो, पुराने तार को निकाल के आसानी से आप वेट कर सकते हो। और दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बतला देता हूँ कि पुराने तार को रिप्लेस कराने में, मतलब पुराने तार को देकर नए तार लेने पे
एक किलो तार पे आपको देने पड़ते हैं लगभग 90 से 100 रुपए, बस इतने ही देने पड़ते हैं, इससे ज़्यादा कहीं रेट भी नहीं है। अगर कहीं है तो 10-20 का अंतर तो होता ही है हर जगह। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं एक किलो के हिसाब पे बता रहा हूँ, अगर आपकी मोटर के अंदर 3 किलो तार हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 200-250 रुपये में आपका काम बन जाएगा। आप पुराने तार देके नए तार ले लोगे और मोटर को रिवाइंड कर लोगे। आप पुराने तार उसी को देना जो मोटर वगैरह के तार बनाता है, और उसी से अपने तार बनवाना। पहले आप, जैसे आपके पास मोटर है तो आप उसका स्टेटर नापना, स्टेटर की गोलाई नापना, और फिर कॉइल की लेंथ नापना, एक एक कॉइल की रनिंग का एक ग्रुप निकाल लेना, उसकी एक छोटी वाली कॉइल की लेंथ नाप लेना, बस बाकी कॉइल उससे बड़ी बनानी, 2 इंच बड़ी बनवानी है, ठीक है, वो ऑटोमेटिक बना देगा। एक की कॉइल नापने की ज़रूरत है सर, जो सबसे छोटी वाली है, और स्टार्टिंग में भी एक ही कॉइल नापने की ज़रूरत है जो सबसे छोटी है। सब आपको नापने की ज़रूरत नहीं है, अगर नापना चाहते हो तो नाप भी सकते हो। और गेज आपको देखना है कि कौन सा तार है, वो चेक करवा लेना तार वाले से, उसके पास गेज नापने का एक यंत्र होता है तार मापने का, वो मोटाई बता देगा कितने mm का तार है, कितने नंबर तार है, क्या गेज है, तो वो बता देगा। और टर्न आपने गिन लेने हैं, ठीक है, और ये भी देख लेना है कि सिंगल तार में थी रनिंग या डबल तार में। स्टार्टिंग तो हमेशा सिंगल में ही रहती है, स्टार्टिंग का इस मोटर में कोई काम नहीं होता। स्टार्टिंग का काम इतना होता है कि इसमें एक बार बस धक्का लगाती है मोटर को, बस उसके बाद मोटर चलने के बाद अगर मोटर दबती है तो फिर से स्टार्टिंग काम करने लगती है, क्योंकि इसके अंदर क्लिच प्लेट लगी होती है। क्लिच प्लेट का काम होता है कि वो मोटर को एक बार स्टार्ट करें, और जब मोटर स्टार्ट हो जाती है तो क्लिच प्लेट दूर हट जाती है। क्लिच प्लेट दूर हट जाने के बाद रनिंग का काम खत्म हो स्टार्टिंग का काम खत्म हो जाता है। स्टार्टिंग का काम खत्म होने के बाद सिर्फ रनिंग काम करता रहता है, लेकिन मोटर के राउंड कम होते हैं, दबती है मोटर तो फिर से स्टार्टिंग एक बार ताकत लगा देता है, क्लिच प्लेट फिर से भिड़ती है और कैपेसिटर के द्वारा स्टार्टिंग में करंट जाता है और मोटर फिर से चलने लगती है। तो इसका ये काम होता है। लेकिन ये फर्राटा फैन, मधानी वगैरह वगैरह में जो हम कैपेसिटर वगैरह लगाते जो हैं, ये रेगुलर कैपेसिटर होते हैं, ये इसमें इन चीज़ों में रेगुलर करंट जाता है। फर्राटा फैन, कूलर आदि में रेगुलर, रनिंग के अंदर भी रेगुलर करंट जाता है, और स्टार्टिंग के अंदर भी कैपेसिटर द्वारा रेगुलर करंट जाता है। लेकिन चक्की मोटर के अंदर सिर्फ स्टार्टिंग में, रनिंग के अंदर तो करंट चलता ही रहता है, और स्टार्टिंग में बस एक बार ही करंट जाता है, फिर उसका करंट कट हो जाता है क्लिच प्लेट से। तो बस एक बार इस पर धक्का लगाने वाली बात हो गई है, ठीक है। तो इसमें काम स्टार्टिंग का एक बार धक्का लगाना होता है। मेरे दोस्तों, जो मेरे घर की मोटर है, मैं उसे धक्का स्टार्ट बना रखा है, उसमें मैंने स्टार्टिंग कॉइल नहीं डाली है, ओनली रनिंग कॉइल डाल रखी है। उसमें आप जौन सी साइड आप फिराओगे, एक बार आपको हाथ से घुमाने की ज़रूरत है, जिस साइड आपने घुमा दिया उस साइड वो घूमती रहेगी, तो वो बहुत ही अच्छी मैंने रिवाइंड कर रखी है और उसे धक्का स्टार्ट ही बना रखा है, चक्की पे भी लगाया है। अगर आप इसे टू फेस में, सिंगल फेस को अगर आप टू फेस में बदलना चाहते हैं तो आपको कोई भी बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कनेक्शन में बदलाव करने हैं। और वो कनेक्शन में बदलाव कैसे करने हैं उस पर मैं वीडियो ला रहा हूँ कि सिंगल फेस को टू फेस में कैसे बदलें, टू फेस में कन्वर्ट कैसे करें सिंगल फेस की मोटर को। आपको कोई कॉइल बदलने की ज़रूरत नहीं है, मोटर को रिवाइंड करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ कनेक्शन बदलने हैं, कनेक्शन में थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है। तो वह उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँगा। तो पहले आप इसके कनेक्शन की वीडियो देखें कि इसके कनेक्शन कैसे करने हैं, तो मैं इसके कनेक्शन वाली वीडियो अगले पार्ट में लेके आऊँगा। ऐसा नहीं करना है कि आपने इसके कूलर की तरह कनेक्शन कर दिए कि एक से तीन में चारों कॉइल को रनिंग को सीरीज में जोड़ दिया और स्टार्टिंग को सीरीज में जोड़ दिया, तो आपकी मोटर टू फेस में चलेगी, सिंगल में नहीं चलेगी, मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके कनेक्शन
रनिंग में थोड़े चेंज होंगे, एक से तीन में ही होंगे, पर लेकिन सीरीज में नहीं लगेंगे, चारों कॉइल सीरीज में नहीं लगेंगी, स्टार्टिंग में सीरीज में लगेंगी सारी चारों की चारों कॉइल, ठीक है। तो उस मैं वीडियो में पूरा आपको बताऊंगा कि कैसे कनेक्शन देने हैं। तो आप ये मत सोचिए कि कनेक्शन पंखे की तरह हम कर देंगे और चल जाएगा, ऐसे नहीं करना आपको। देखिए दोस्तों, अब इसके अंदर टेप नहीं लगाते हैं, कागज़ लगाते हैं, यही सीट लगाते हैं इस प्रकार से काट के रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में, ताकि रनिंग स्टार्टिंग आपस में टच ना हो और मोटर जले नहीं। तो ये काम आपको अच्छे से करना है, अच्छे से सेट कर देना है, रनिंग और स्टार्टिंग दूर ही रहें। और ये कागज़ लगाने के बाद आपको कॉटन टेप लेनी है। कॉटन टेप एक धागे की तरफ होता है, ठीक है, चिपकने वाला टेप नहीं होता वो, उसे सीमने के लिए काम में लिया जाता है, सीलने के लिए। आप धागा का भी यूज कर सकते हो, जैसे हम पंखे वगैरह में, कूलर वगैरह में हम धागे से रिवाइंड वो करते हैं ना, सीमते हैं सुई की मदद से। तो इसमें जैसे हम सिंगल धागा लेते हैं, तो इसमें आप डबल धागा ले सकते हो चक्की मोटर में। तो आपकी मर्ज़ी, आप सीलना चाहो तो सील भी सकते हो, अगर आप आपकी मर्ज़ी है। अगर आप नहीं भी सीलोगे तब भी मोटर तो चलेगा, मोटर तो ऐसे तो है नहीं कि, लेकिन कनेक्शन वनेक्शन वगैरह, सिलीव वगैरह जो हम कनेक्शन उनको सेट करने के लिए, तारों को सेट करने के लिए अच्छे से हम इसमें इसकी बंधाई करते हैं और इसके अंदर वायरनेस भी डालते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसमें ज़रूरत नहीं है, हम इसमें कागज़ लगा के वायरनेस डाल देंगे, चिपक जाएगी मोटर, तो वो भी कर सकते हो आप, वो तो आपकी मर्जी। लेकिन कनेक्शन वाली साइड से तो आपको बांध नहीं पड़ेगा, नहीं तो आपके कनेक्शन कहीं ना कहीं अलज पुलज हो जाएंगे, वो कहीं ना कहीं टच हो जाएंगे। देखिए इसमें बांधने की जरूरत तो नहीं है, देखिए आप मोटर को, क्या आपको लग रहा है बांधने की जरूरत है? बस इसमें वायरनेस डाल दिया, वहीं सेट हो जाएगी, वहीं चिपक जाएगी, सुखा देना बस घाम में, धूप में। दोस्तों मैं मजाक कर रहा था, आप इसको बांधना है, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। रनिंग और स्टार्टिंग टच नहीं होनी चाहिए, बीच में स्लॉट पेपर लगा देना है, बीच में स्लॉट पेपर लगा देना है, रनिंग और स्टार्टिंग टच नहीं होनी चाहिए। और इस प्रकार से देखिए, ऊपर से जो कागज़ है जो कि मुड़ नहीं रहा था, तो हम कटर से उसको थोड़ा थोड़ा कट कर देते हैं, और कट करने के बाद उस कागज़ को मोड़ देते हैं, और मोड़ने के बाद अब इसके ऊपर हम कॉटन टेप से इसको सी लेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ भी आप ध्यान रखिए, जब मोटर को आप उल्टा रखें तो नीचे कुछ कपड़ा वगैरह आप ज़रूर रख लीजिए, ताकि आपके तार कहीं टच होकर, जैसे किसी लोहे की चीज़ से टच होकर, जैसे आपके पास कोई लोहे की चीज़ जैसे स्क्रू ड्राइवर पड़ा है या कुछ भी पड़ा है, तो तार कट ना हो, मतलब छिले नहीं, कटेगा तो नहीं लेकिन छिलना नहीं चाहिए। तो इसलिए इसके नीचे, मोटर के नीचे पहले कुछ रख लिया करो। अगर आप पंखा वंखा रिवाइंड भी करते हैं तो आप उसे उसके नीचे भी कुछ रख लिया करो। वैसे तो लकड़ी के तख्त के ऊपर ये रखी है, फिर भी इसके नीचे रखना ज़रूरी है, ताकि तार छिले नहीं, तार के वायर जो वायरनेस हैं वो छुटे नहीं। अब इसके ऊपर आराम से कॉटन टेप लेना है, और एक सुई की मदद से, ये देखिए इस प्रकार होता है कॉटन टेप, इस प्रकार से होता है। 50 से 60 रुपए का ये बंडल आता है कॉटन टेप का। एक सुई बना लीजिए, एक मोटा तार जो होता है 18 नंबर 20 नंबर तार से एक सुई बना लीजिए, उसमें बांध लीजिए, और कोई भी तार ले सकते हैं। इस तरह से आपको बांधना है, अच्छे से सेट कर करके बांधना है, टाइट बांधना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद कनेक्शन करने हैं, कनेक्शन वाली साइड बांधनी है, बांधने के बाद तार निकालने हैं, दो तार रनिंग के निकलेंगे, दो स्टार्टिंग के निकलेंगे, और क्लिच प्लेट के अंदर स्टार्टिंग के तार को जोड़ना है, और स्टार्टिंग के तार को बाहर निकालना है, और रनिंग के तार को बाहर निकालना है। क्लिच प्लेट सेट करने के बाद मोटर को कस देना है, पहले कसने से पहले वायरनेस इसमें ज़रूर कर देना और सुखा देना ये मोटर। ये नहीं करना है कि वायरनेस डाला और मोटर को
सेट कर दिया और चला दिया तो उससे जलने के चांसेस रहेंगे। अगर वार्निश डाल के आप मोटर चलाओगे तो जलने के चांसेस रहेंगे, तो आपको अच्छी से भली भांति उसे सुखा ले वार्निश डाल के। तो वायरनेस तार के लिए काफ़ी अच्छा होता है, मोटर को अच्छे से सेट कर देता है, ये जो कागज़ वगैरह है ये भी नहीं टहलते और मोटर अच्छे से सेट हो जाता है। और पूरी तरह से वायरनेस डालने पे ये अगर इसके अंदर पानी वगैरह भी चला जाए तो वायरनेस उससे भी उसे बचाता है, आपके तारों को जलने से बचाता है वायरनेस। तो वायरनेस आप ज़रूर डालें। आजकल काफ़ी सारी कूलर्स की मोटर आ रही हैं, कूलर मेरे को देखने को मिल रहे हैं जिनकी मोटर वाटरप्रूफ हैं, जिनके ऊपर उनकी पंप का पानी गिरता ही रहता है। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे कूलर्स ऐसे आए थे जिनको जिनकी मोटर को मैंने ले लिया था, जब मैंने उसको देखा कि भाई इसमें तो बहुत ज़्यादा ठंडा कर रखा है, अंदर बाहर से तो ब्रांडेड है, कंपनी के हैं, ओरिएंट वगैरह के हैं और भी बजाज के हैं, लेकिन अंदर उसमें एल्यूमिनियम का तार दे रखा है, कंपनी का बस नाम चल रहा है, कुछ भी नहीं है, एल्युमिनियम पेलने लग रही है हर चीज़ में। ये चक्की की मोटर वगैरह में एल्युमिनियम चलता नहीं है, बहुत कम चलता है, वैसे आती है बहुत सारी लोकल कंपनियां एल्युमिनियम में मोटर देती है पर वो ज़्यादा नहीं चल पाती है, तो बड़ी मोटर में एल्युमिनियम चलता नहीं है, नहीं तो इनमें भी कंपनियाँ डालने लग जाएँ। ये जो मशहूर कंपनियाँ हैं इनके अंदर काफ़ी सारी कंपनियां एल्युमिनियम में बांधती हैं और ऐसा बढ़िया रिवाइंड करके आपको देती हैं, बहुत बढ़िया। तो मैं बात कर रहा था वाटरप्रूफ कूलर्स की। तो दोस्तों वाटरप्रूफ कूलर्स कैसे बनाएं कि मोटर को वाटरप्रूफ कैसे करें उसकी भी वीडियो मैं लेके आऊँगा कि कई सारे कूलर आ रहे हैं जिनके जो बहुत भीड़े होते हैं, चपटे होते हैं, जिनकी जो घास होती है कूलर की जो घास होती है जाली होती है वो हमारी मोटर से फैन वाली मोटर जो होती है ना जो हवा देती है उससे टच होती हैं, तो उसके ऊपर पानी गिरता है और पानी अंदर जाएगा तो मोटर जल जाएगी, तो इसलिए उसको वाटरप्रूफ करके कंपनी पहले से ही देती है। अगर आप उसे दोबारा रिवाइंड करें तो वाटरप्रूफ ज़रूर करें, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ।